हेलो फ्रेंड्स, ये जो मैं यात्रा कर रही हूँ, आप सबको लग रहा होगा कहाँ जाकर आ रही हूँ। ये है कमरूनाथ टेंपल मंडी। ये देख सकते हैं आप, पीछे यात्रियाँ जा रहे हैं। मैं वापस आ रही हूँ, मौसम काफ़ी अच्छा है और मैंने तैयारी पूरी रखी है। वैसे बारिश हुई नहीं पर मेरी तैयारी पूरी है। ये जो टेंपल है बहुत फेमस है, माना जाता है यहाँ पे जो भी मांगते हैं पूरा होता है। तो हमने भी खुद ने नेट पे देखा था, उसी के चलते हमने सोचा चलो एक बार यहाँ पे आके देख लेते हैं। क्योंकि पिछले दिनों यहाँ पे जी न्यूज़ के रिपोर्टर पहुँचे थे, उनके थ्रू मुझे जी न्यूज़ में देखने को मिला। मुझे लगा इतने दूर से रिपोर्टर्स यहाँ आते हैं और बताते हैं कि ये मंदिर इतना ख़ास है, तो मैंने सोचा क्यों ना यहाँ पर आकर देखा जाए। चलो अभी तो हमने मांगा है दुआ, वो तो वक्त बताएगा पूरा होगा या नहीं। लेकिन आप सब ये देख सकते हो, ये काफ़ी अच्छा पैदल रास्ता है, काफ़ी पुराना है ये, काफ़ी अच्छे से इसको मैनेज किया है यहाँ की मंदिर कमेटी ने। अगर आप सब यहाँ आना चाहते हो तो आप सबको उसके लिए पैदल ही आना पड़ेगा। ये पड़ता है जी रुहांडा तक, आपको गाड़ी में आना पड़ेगा या जिसमें भी आते हो आप, वहाँ से ऊपर आपको के लिए कोई सुविधा नहीं है, आपको बस या गाड़ी लेनी पड़ेगी आधे तक। उसके बाद आपको 6 किलोमीटर का ये चढ़ाई रहेगा, तो पूरा 6 किलोमीटर आपको पैदल यहाँ पर आना होगा। काफ़ी विशेषता है यहाँ के झील की, कहते हैं यहाँ पे बहुत सारा सोना चांदी है लेकिन आज तक कोई इसको निकाल नहीं पाया है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आप सब यहाँ आते हो तो प्लीज़ यहाँ पे जो यहाँ का वातावरण है बहुत स्वच्छ है। यहाँ पे मंदिर कमेटी ने नीचे लिखा भी था कि यहाँ पे कूड़ा कचरा ना डाले, लेकिन आप देख सकते हो काफ़ी कूड़ा कचरा यहाँ देखने को मिल रहा है रास्तों में। तो प्लीज़ आप सब इतना ध्यान रखें कि यहाँ पर कूड़ा ना फेंके, क्योंकि हम कहीं जाते हैं इसका मतलब ये नहीं कि हम वहाँ पे जा रहे हैं तो वहाँ का एंजॉय भी कर रहे हैं और वहाँ पे गंदगी वहाँ डाल कर आ रहे हैं। कोशिश करिए कि ये गंदगी आप ऐसे ना डालें। बात यहाँ की नहीं है, देश में ऐसे भी स्वच्छता को लेकर बहुत कार्य चल रहा है। नरेंद्र मोदी जी, अकेले लगे रहने से कुछ नहीं होगा। तो आप सबसे निवेदन है कि आप सब ऐसे एटलीस्ट आप दूसरों का कूड़ा नहीं उठा सकते हैं, लेकिन कम से कम आप ये कर सकते हो कि अपना रैपर तो आप अपने साथ रख सकते हो ना। कम से कम आप अपना रैपर अपने बैग में रखिए और जहाँ ही आपको डस्टबिन मिलता है, आपको पता है डस्टबिन आज के डेट में हर 5 या 10 मिनट के रास्ते में डस्टबिन होता है, तो आप सब यहाँ पे डस्टबिन देखते ही वहाँ पे कूड़ा डाल दीजिए। इसलिए कूड़ा को आप ऐसे ना सोचिए कि क्या है क्या होगा। आप जानते हैं प्लास्टिक कितना पर्यावरण के लिए हानिकारक है, क्योंकि हम बोलते हैं ना देश बचाना है, पर्यावरण बचाना है, ये बचाना है, वो बचाना है, खाली बोलने से नहीं होगा। बस हम ज़्यादा कुछ ना भी बचा पाए, कोशिश रहे कि हम जो काम कर रहे हैं उससे ना ही पर्यावरण को नुकसान हो ना लोगों को। आप ये देख सकते हैं यहाँ से, ये जो मेटल है ये यहाँ पे समाप्त होने जा रहा है। ये है हमारे मंदिर का लास्ट गेट। आप देख सकते हो जो श्रद्धालु है वो यहाँ पे आते जा रहे हैं और अपनी जगह पे बैठे हैं। रास्ता देखने में काफ़ी टफ है लेकिन आसान है। बहुत अच्छा यहाँ पे रास्ता है, देखिए ये है, साफ है, नकली है। कि मैंने कोशिश किया है कि मैं किसी को डरा सकूँ, अब देखती हूँ मैं कितना कामयाब होती हूँ या नहीं।
देख सकते हैं कि काफ़ी यात्री ऊपर से नीचे को और नीचे से ऊपर को आ रहे हैं। यह है काफ़ी घना जंगल है, इस घने जंगल से होकर हमें नीचे उतरना है। ये देखिए बिल्कुल घना जंगल यहाँ पे। ये देखिए ये कैप है, इसमें आपको रॉन्ग साइड दिख रहा होगा लेकिन ये जय कामरूनाग देवता जी लिखा है इसमें, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा और इससे मुझे भगवा से बहुत प्यार है इसलिए मैंने इसको लिया है। यात्रियाँ मेरी बातों को सुन के काफ़ी हंस रहे हैं लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं जो भी बोली वो मजाक किया है, सबकी अपनी सोच है। चलिए ये सफर तो चलता रहेगा, बाय, ख्याल रखिए आप सभी अपना, मुझे पहुंचने में अभी और एक घंटा लगेगा।